हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राम एपेक्स कोचिंग्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा चैप्टर रहेगा परसेंटेज। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज के जो ट्रिक आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आप हर लोग अपनी लाइफ में कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर यूज की होगी, लेकिन उतनी आसान ट्रिक हम परसेंटेज के क्वेश्चंस निकालने में भी सॉल्व कर सकते हैं, वो आज आप देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज होता क्या है? देखिए, पर मीन्स प्रत्येक, ईच, सेंट मीन्स सेंचुरी, हंड्रेड, पर सेंट मीन्स प्रत्येक, सो पर। अगर हम यहां भी देखते हैं प्रति मन, प्रति मीन्स प्रत्येक, सत का मतलब शतक, प्रति सत यानी प्रत्येक, सो पर। तो प्रत्येक सो पर जो हिस्सा होता है, यानी कि ईच हंड्रेड पे जो पार्ट हमारा होगा, वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। हम इस परसेंटेज जो ये साइन है परसेंटेज, इसका मतलब हम कह सकते हैं, अगर हमें बोलना पड़े कि परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज मीन्स हंड्रेड। एक सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज मीन्स हंड्रेड। यानी कि परसेंटेज हम जब भी निकालेंगे हमेशा किस पे निकालते हैं, हंड्रेड पे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, हंड्रेड। पर मीन्स प्रत्येक, सेंट मीन्स हंड्रेड, यानी कि पर हंड्रेड पे जो भी पार्ट होगा वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास टोटल 200 रुपीज है। टोटल कितना अमाउंट है? 200 रुपीज। तो ये जो 200 रुपए का जो अमाउंट है, ये क्या है आपके लिए? ये आपके लिए पूरा अमाउंट है। पूरा अमाउंट मीन्स 100%। अगर आपके पास 2000 रुपए है, तो 2000 रुपए भी क्या आपके लिए? 2000 रुपए भी आपके लिए पूरा 100% अमाउंट है। अगर आपके पास 10000 रुपए है, तो 10000 रुपए भी क्या आपके लिए? टोटल अमाउंट मीन्स 100%। अगर आपके पास 2,00,000 रुपए है, तो 2,00,000 भी क्या है? 100%। यानी कि जो भी एक टोटल पूरा अमाउंट होगा, वो पूरा अमाउंट कितना होगा? 100% होगा। देखिए, जब भी हम 9th, 10th, 11th में जब भी हमने मैथ्स के क्वेश्चंस किए हैं, हमने हमेशा देखा होगा कि अगर किसी क्वेश्चन में कुछ चीज हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लेट एक्स लेट वाई, माना एक्स माना वाई, एक्स और वाई हम मानते हैं। और जब भी हम एक्स और वाई मानते हैं, तो वो एक हमारी इक्वेशन बन जाती है। उस इक्वेशन को सोल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और यहाँ पर हमें टाइम ही बचाना है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपसे कह रहा था कि ये जहाँ x और y हम मान लेंगे, वहीं पे हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जहाँ आपको क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसमें कुछ चीज़ गिवन नहीं है, तो वहाँ पर आपको x और y नहीं मानना। अब देखिए, क्वेश्चन में कुछ चीज़ गिवन भी नहीं है, आप x और y मानते थे, वो भी हम नहीं मान सकते, तो उसकी जगह हमें कुछ तो मानना होगा। तो वो जो कुछ मानना है, वो हम 100 मानेंगे, क्योंकि 100 जो है हमारे लिए बहुत ही इजी वैल्यू है। क्योंकि अगर किसी भी नंबर को आपको 100 से मल्टीप्लाई करना हो, इजी है। किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करना हो, इजी है। अगर 100 प्लस करना है, वो भी इजी है। और अगर 100 माइनस करना है, तो वो भी इजी है। और परसेंटेज तो किस पे निकालते हैं? 100 पे ही निकालते हैं। तो देखिए, मैंने आपको यहां भी बताया था कि जो टोटल अमाउंट हमारा होता है, वो पूरा का पूरा अमाउंट कितना परसेंट कितना होता है? 100%। अब सपोज कीजिए, अगर उसमें से आप आधा खर्च कर देते हो, तो आपके पास कितना बचेगा? 50%। उसमें से भी अगर आधा खर्च कर देते हैं, तो कितना बचेगा? 25%। और अगर उसमें से भी आधा खर्च करते हैं, तो कितना बचेगा? 12.5%। उसमें से भी अगर हम आधा खर्च करते हैं, तो हमारे पास बचेगा 6.25%। और अगर हम उसमें से भी अगर आधा खर्च करेंगे, तो इसका भी हाफ हो जाएगा। तो 6.25 का भी हाफ कितना होगा? 3.125। तो ऐसे हम आधा आधा कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो जरूरत है, हमें सिर्फ इतनी ही जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर से देखिए, टोटल अमाउंट हमारा होता है 100%, उसका हाफ 50%, उसका हाफ 25, उसका हाफ 12.5 एंड उसका हाफ 6.25%। नेक्स्ट, अगर हमें किसी भी अमाउंट का अगर हम 10% निकाल सकें, ये कंडीशन है, ये हमें आना चाहिए, किसी भी अमाउंट का अगर हम 10% निकाल सकते हैं, तो क्या हम उस अमाउंट का 20% निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हमें 10% निकालना गया, तो उसका डबल करेंगे, तो 20% हो जाएगा। फिर तो हम 5% भी निकाल सकते हैं। जो हमारा 10% आया था, उसका हाफ करेंगे, तो कितना होगा? 5% हो जाएगा। और अगर 2.5% निकालना हुआ, तो उसका भी हाफ हो जाएगा। और अगर किसी भी अमाउंट का हमें 1% निकालना आ जाए, तो हम उसका 2% भी निकाल सकते हैं, 3% भी निकाल सकते हैं, आधा परसेंट निकालना हुआ तो वो भी निकाल सकते हैं। तो साथियों, ये एक छोटी सी टेबल है, इसी टेबल से हम परसेंटेज की पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। इस टेबल के अलावा हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाली टेबल कि 100, 50, 25, 12.5 एंड 6.25%। उसके बाद हम ये वाली टेबल करेंगे। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, देखिए कुछ क्वेश्चन है साथियों कि 6.25% ऑफ 880 यानी कि 880 का 6.25%, 6.25% ऑफ 4800, ये जो भी हमें निकालना है। अभी हम सिर्फ इसी टेबल का यूज करेंगे कि 100%, 50%, 25, 12.5 एंड 6.25% कैसे निकालते हैं। जैसे हमें सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि 6.25% ऑफ 880, 880 का 6.25%। अगर वैसे देखा जाए तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो आपका रहेगा कि 880 इंटू 6.25 डिवाइड बाई 100। अब ये पॉइंट हम हटाएंगे, नीचे दो जीरो लगेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी। उसके बाद अब हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और जितना टाइम हमें इस कैलकुलेशन में करने में लगेगा उतने समय में हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं परसेंटेज के इसी टाइप के। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी देर में हमने ये सिर्फ फॉर्मूला सिर्फ लिखा ही है, अगर उतनी ही देर में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो हमारा कितना टाइम बचेगा, बहुत सारा टाइम बचेगा। और हमें एग्जाम में यही करना है, जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम हम बचाएंगे उतने ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिएगा इनको करना कैसे है, जैसे 6.25% ऑफ 880, 880 का 6.25% हमें निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल अमाउंट जो होता है हमारा वो कितना होता है, 100% होता है। अगर उसका आधा करेंगे तो 50%, उसका हाफ किया 25%, उसका हाफ किया 12.5 एंड उसका हाफ किया तो 6.25%। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि ये जो टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट हमारे लिए क्या है, 100%। तो ये पूरे के पूरे अमाउंट को उठा के मैं यहां रखूं, उसके बाद उसका आधा 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 और आधा करूं तो मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कर सकते हैं, तो देखते हैं। टोटल अमाउंट हम यहां रखते हैं 880, उसका हाफ 440, उसका हाफ 220, उसका हाफ 110 और उसका हाफ 55। तो ये आपका आंसर आ गया 55। तो एक चीज याद रखनी है, ये जो हम कर रहे हैं आधा आधा आधा, कोशिश करनी है कि ये आपको कहीं भी लिखना ना पड़े, आपको माइंड में ही कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आधा आधा करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जितना हम लिखेंगे उतना ही हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। हमें कम से कम लिखना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। एक साइंटिफिक रीजन भी है कि जिस समय हमारा माइंड का हाथ काम कर रहा होता है उस समय माइंड काम नहीं कर रहा करता, कि जैसे अगर हम इसका आधा कर रहे हैं कि 880 का हाफ 440, जिस समय हम 440 लिख रहे होंगे उस समय हम माइंड से उसका हाफ नहीं कर पाएंगे कि 440 का हाफ कितना हो रहा है, जब तक हम लिखेंगे नहीं उसके बाद ही हम उसका आधा कर पाएंगे। तो इसके लिए एक और एक आसान सी ट्रिक बता रहा हूं कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सभी वैल्यूज को हम रुपीज में लेके चलेंगे, हमेशा किस में लेके चलेंगे, रुपीज में लेके चलेंगे। ऐसा इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि हम इसको रुपीज में ही क्यों लेके चले। जैसे कि अगर हमें दिया हुआ है कि 6.25% ऑफ 880, अगर हमें बोला जाए कि किसी एक क्लास में 880 स्टूडेंट्स थे उसमें से 6.25% एब्सेंट हो गए, तो कितने स्टूडेंट एब्सेंट हो गए, तो यहां पर हमारे पास 880 जो है वो स्टूडेंट्स है, लेकिन हम इसको स्टूडेंट्स ना मान के यहां भी क्या मानेंगे, रुपए में लेके चलेंगे। क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ रीजन है, जैसे कि जहां रुपए होता है, जहां पैसे की कैलकुलेशन होती है, जहां पैसे का लेन देन होता है, वहां पर पहली चीज इंसान कभी गलतियां नहीं करता। दूसरा कारण है कि जहां रुपए की कैलकुलेशन होती है वहां कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है,
और तीसरा ये भी कारण है कि एक अनपढ़ आदमी भी जो है वो भी पैसों की कैलकुलेशन कर लेता है, तो आप लोग तो और फास्ट कर पाएंगे, हम उससे भी फास्ट करेंगे। देखिए यहां पर हमें 880 का 6.25 निकाला, 55 आया था। अगर 880 रुपीस का निकालते तो 55 रुपीस ही आता, उसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होता। तो बस हमें इतना करना है कि ये जितनी भी वैल्यू है उसको किस में लेके चलेंगे, रुपीस में लेके चलेंगे। सिर्फ माइंड में रखना है, ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। इससे ये बेनिफिट होगा कि जहां पर आपको हाफ करने में प्रॉब्लम होगी वहां आप फटाफट हाफ कर सकते हो और कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। जैसे कि हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, नेक्स्ट हमें निकालना 6.25% ऑफ 4800, 4800 रुपए का 6% निकालना। करना वही है, पूरा अमाउंट हम यहां पर रखेंगे 4800, उसका आधा करेंगे 50%, उसका आधा करेंगे 25, उसका आधा करेंगे 12.5, उसका आधा करेंगे 6%। तो यहां पर रख के देखते हैं, टोटल अमाउंट 4800 रुपए, उसका आधा 2400 रुपए, उसका आधा 1200 रुपए, उसका आधा 600 रुपए और 600 रुपए का भी आधा 300 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा, आप कर सकते हैं फटाफट। बाकी के क्वेश्चन एक बार आप ट्राई कीजिए। नेक्स्ट जैसे कि 12.5% 240, 240 का 12.5%। अगर हमें 12.5% निकालना है तो हमें सिर्फ यहीं तक आना है, यहां तक जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कहां तक आना है, 12.5% तक। तो देखिए 240 टोटल अमाउंट हमने यहां रखा, 240 उसका हाफ 120, 120 का हाफ 60, 60 का हाफ 30। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट 25% ऑफ 164, 164 का 25%। तो 25% निकालना तो हमें सिर्फ यहीं तक आना होगा। तो टोटल अमाउंट रखेंगे 164 का हाफ 82 और 82 का भी हाफ करना है। तो 82 का हाफ कितना होता है, 41। नेक्स्ट 50%। तो देखिए 50% के लिए हमें क्या करना है, 50% के लिए बस जस्ट इसका हाफ करना है। देखिए कभी भी अगर ऐसे नंबर हो जहां पर आधा करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये बिल्कुल मत करना कि उसको आप 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा याद रखना, 2 से डिवाइड करने में हमें आधा करने के मुकाबले टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। तो इसको हम, ये जो वैल्यू है इसको हमेशा राउंड फिगर में लेंगे। ऐसा नहीं कि हम इसको 380 नहीं पढ़ेंगे, हम इसको 300 रुपए अलग कर सकते हैं, 18 रुपए अलग कर सकते हैं। 300 रुपए का आधा होगा 150 रुपए और 18 रुपए का आधा हो जाएगा 9 रुपए। तो कितना हो जाएगा, 159। ये आपका आंसर। नेक्स्ट 6.25% फिर से निकालना है। करना वही है कि हमें टोटल अमाउंट यहां रखना है, उसके बाद उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, देन उसका हाफ करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बट एक बात बताइए कि ये जो टेबल है क्या ये आपके पास एग्जाम में होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या याद रख पाओगे कितनी बार आधा करना है, 4 बार करना है, 5 बार करना है, 2 बार करना है? रख भी सकते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको याद नहीं रहेगा। अगर याद नहीं रहता उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम इन क्वेश्चनों को हम टिप्स पे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहां पर रखेंगे टोटल अमाउंट कितना होता हमारा, 100%, उसका हाफ 50, उसका हाफ 25, उसका हाफ 12.5, उसका हाफ 6.25। तो 6.25 के लिए हम कहां पर आ रहे हैं, 5 नंबर पे। तो ये देखना नहीं कि हमें 5 पे है, 4 पे है, 3 पे है, 2 पे, 1 पे। जितने क्वेश्चन आप करो, 1, 2, 4, 5, 10, 20 जितने क्वेश्चन आप करो, हर बार बोल बोल के करना, अपने आप आपको याद हो जाएगा। जैसे कि हमें निकालना 6.25% ऑफ 6400। तो देखिए टोटल अमाउंट हमने यहां रखा 100%, उसका हाफ 50, उसका हाफ 25, उसका हाफ 12.5, उसका हाफ 6.25। तो ध्यान रखना यहां पर हमें टोटल अमाउंट लेना है, तो टोटल अमाउंट कितना हमारा 6400, 6400 का हाफ 3200, 3200 का हाफ 1600, 1600 का हाफ 800 और 800 का हाफ 400। ये आपका आंसर हुआ। तो कर सकते हैं फटाफट। जैसे नेक्स्ट भी हमें करना है 6.25% निकालना, 2800 रुपए का। तो करना वही है, टोटल अमाउंट हम यहां रखेंगे, फिर आधा 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 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हम एक बार फिर से चेक करते हैं, 100%, 50%, 25%, 12.5% और 6.25%। तो पूरा अमाउंट कितना हमारा, 2800 रुपए, 2800 रुपए का आधा 1400 रुपए, 1400 रुपए का आधा 700 रुपए, 700 रुपए का आधा 350 और 350 का आधा। अब जैसे 350 का आधा करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 300 रुपए अलग करेंगे, 50 रुपए अलग करेंगे। 300 रुपए का आधा 150 और 50 का आधा 25। तो 150 और 25 कितना होते हैं, 175। ये आपका आंसर हुआ।